सीसीएनए सीसीएनपी की क्लासेस में आइए चलते हैं। रिप और रिप टू में क्या डिफरेंस है वो मैं बताने जा रहा हूँ। डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल, लिंक स्टेट प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, इन सब पर मैं प्रॉपर सीसीएनए के जो सीरीज है उसमें वीडियोस में बनाना अब चालू कर रहा हूँ। तो आइए चलते हैं, देखते हैं सिस्को का ये सीसीएनए का जो पेपर होता है सीसीएनपी सीसीआई, तो उसके बेसिक्स में सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो आइए चलते हैं इसमें। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर बेसिकली रिप के बारे में बता रहा हूँ, रिप और रिप टू। रिप का फुल फॉर्म होता है राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल और रिप टू वर्जन टू हो जाता है। तो रिप वन और रिप टू इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल है बेसिकली, ये दोनों डिस्टेंस वेक्टर है। इसके अलावा ये इनमें होप काउंट एज ए मैट्रिक को यूज़ करते हैं, इनका जो मैट्रिक है होप काउंट है, और लूप्स को अवॉइड करने के लिए 15 होप की लिमिट रहती है। ठीक है, तो अगर कोई इसमें अगर लूप्स हो रहे हैं तो 15 को क्या करते हैं ये लिमिट मान के, 15 को ही लिमिट मान के चलते हैं। ठीक है, अब अगर 15 है तो उसको क्या मान लेते हैं, ये आउटेज माना जाता है। और उसको क्या करता है, जो भी राउटर जिस अगर उस पैकेट को रिसीव करता है तो उसको क्या कर देता है, क्रैश कर देता है और ख़त्म कर देता है। तो रिप को, रिप का अगर हम अगर बात करें तो इसमें रिप में लूप अवॉइडेंस के लिए जैसे रूट पॉइजनिंग या और इसके अलावा होल्ड डाउन मैकेनिज्म और स्प्लिट होरिजन है, रूट पॉइजनिंग है, होल्ड डाउन मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसके क्या होता है कि इसका जो को मतलब अवॉइड करने के लिए लूप्स को, इन तीन मैकेनिज्म को यूज़ हम लेते हैं या रिप यूज़ करता है। रिप का जो अपडेट टाइमर है वो 30 सेकेंड है। रिप इज नॉट रेलिवेंट नाउ, रिप टू भी अब रेलिवेंसी खत्म है, लेकिन कई जगह में ये बेसिक्स में आपको पढ़ना इसको बहुत ज़रूरी होता है। ये अगर मैं बात करूँ एल्गोरिथम इसमें जो यूज़ होता है वो होता है दोनों में बेलमैन फोर्ड का, और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है होप काउंट 0 to 15 मतलब 16 है। रिप वन और रिप टू IPv4 के लिए यूज़ होते हैं और रिप NG IPv6 के लिए यूज़ होता है। तो रिप अगर मैं बात करूं कि रिप IPv4 के लिए रिप का यूज़ होता है, और रिप का जो नेक्स्ट जनरेशन है रिप NG ये IPv6 में यूज़ होता है। तो ये चीज़ आप दोनों में ध्यान रखिएगा। अब स्प्लिट होरिजन क्या है, रूट पॉइजनिंग क्या है, ये जो लूप प्रिवेंशन के लिए जो मैकेनिज्म है इनके बारे में अलग से वीडियो डालूंगा। अभी मैं आपको रिप और रिप टू पे जो बेसिक डिफरेंस है वो समझाने जा रहा हूँ। बेसिकली रिप और रिप टू का जो अंतर है, सबसे पहला अगर डिफरेंस की हम बात करें तो क्या है, ये क्लासफुल राउटिंग को सपोर्ट करता है, ये क्लासफुल राउटिंग को सपोर्ट करता है, और ये क्लासलेस राउटिंग है। क्लासलेस राउटिंग होने के कारण ये बेसिकली VLSM को भी सपोर्ट कर जाता है। और अगर मैं बात करूं कि जो VLSM हो गया, इस तरह की चीज़ों को भी ये सपोर्ट करता है क्योंकि ये क्लासलेस है। और अगर दूसरे डिफरेंस की हम बात करें तो ये जो रिप वन है ये पीरियोडिक अपडेट देता है। ठीक है, ये क्या देता है, पीरियोडिक अपडेट, दोनों पीरियोडिक अपडेट देते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, ये जब पीरियोडिक अपडेट देता है तो बेसिकली क्या करता है, ये सबनेट मास्क को भी शामिल कर लेता है, क्योंकि VLSM वगैरह को सपोर्ट करता है, तो इसमें सबनेट मास्क वगैरह तो थोड़े से क्या होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं। और ये ट्रिगर्ड अपडेट है, ये जैसे पीरियोडिक देता है तो ये ट्रिगर्ड अपडेट है, मैं गलत बोल गया था, ट्रिगर्ड अपडेट है। ठीक है, रिप टू में। इसके अलावा हम बात करें पीरियोडिक अपडेट क्या होता है, राउटिंग जो राउटर्स होते हैं, रिप क्या करता है हर 30 सेकेंड्स में राउटिंग अपडेट्स देता है अपने नेबर राउटर को, मतलब कोई चेंजेस हो या ना हो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हर 30 सेकेंड्स में अपडेट आते हैं और अपडेट पे चला जाता है राउटर, तो उस समय राउटिंग का काम क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है रिप में। अब ये VLSM को सपोर्ट नहीं करता, ना तो ये VLSM को सपोर्ट करता और ना सबनेट को सपोर्ट करता, सबनेट मास्क को भी ये सपोर्ट नहीं करता, ये करता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये क्लासलेस है, क्या ये क्लासलेस है, और ये अगर हम बात करें तो क्लासफुल है और क्लास मतलब इसमें दोनों में डिफरेंस है, क्लासलेस और ये क्लासफुल है। अगर हम रिप की बात करें तो इसमें नो ऑथेंटिकेशन है, ऑथेंटिकेशन नहीं है, ये ऑथेंटिकेशन को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो ये ऑथेंटिकेशन क्या होता है इस पर भी मैं अलग से वीडियो आपको डालूंगा।
ये डिस्टेंस वेक्टर है और ये भी डिस्टेंस वेक्टर है। रास्ते का पता, नंबर ऑफ राउटर्स कितने हैं उस पाथ पे, उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा लिंक स्टेट होते हैं, प्रोटोकॉल डिस्टेंस वेक्टर होते हैं और हाइब्रिड होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो अपडेट करता है ये 30 सेकेंड्स में, हर 30 सेकेंड्स में क्या करेगा, ये अपडेट्स भेजेगा। और ये जो रिप टू है ये ट्रिगर्ड अपडेट है। इसके अलावा ये मैनुअल राउटिंग और मैनुअल जो राउटिंग होती है समराइजेशन, उसको भी सपोर्ट करता है। अब अगर बात करूँ कि CCNA के सिलेबस में ये दोनों की रिलीवेंसी अब नहीं है, लेकिन इनका बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से ये काम करते हैं। तो हम राउटिंग जब कर रहे होते हैं, राउटर्स को जब हम कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो हमें राउटिंग में रिप को क्या करना होता है, रिप टू को बेसिक्स में हम लोग करा के दिखाते हैं सॉफ्टवेयर से, राउटर से, ताकि क्या रहे, बेसिक्स क्लियर रहे। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हम पूरा इनको प्रॉपर तरीके से करके देते हैं ताकि दिक्कत ना रहे। जैसे यहाँ पर आप देखिए, मैं एक प्रॉपर एक बना के दिखा देता हूँ आपको। ये हमने बना लिया। अब अगर हमें इसमें राउटिंग करना है, तो हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाने के बाद, हमें यहाँ पर लिखना होता है राउटर स्पेस रिप, और यहाँ पर क्या लिखना होगा, राउटर रिप के बाद क्या लिखना होगा, नेटवर्क करके हमें क्या लिखना है, 10.0.0.0। अगला हमें लिखना है नेटवर्क स्पेस 20.0.0। तो ये हमारा पहले राउटर का कॉन्फ़िगरेशन लगभग ख़त्म हो गया है। इसके अलावा नो शटडाउन, वो अकॉर्डिंग टू राउटर्स हमें अलग अलग कमांडें चलानी होती है, बेसिक्स है। राउटर टू पर आपको क्या चलाना होगा, बेसिक कमांडें, होस्ट नेम वगैरह देने के बाद राउटर स्पेस रिप, और यहाँ पर क्या देना होगा, नेटवर्क स्पेस पहला 20.0.0, अगला नेटवर्क स्पेस 30.0.0, अगला नेटवर्क स्पेस 40.0.0। तीसरे राउटर का जब आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो आपको क्या देना है, राउटर स्पेस रिप नेटवर्क स्पेस 40.0.0, नेटवर्क स्पेस 50.0.0। इस तरह से हमने ये ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ी सी चीज़ें मैंने वीडियोस डाली, इनका डिटेल चाहिए या वीडियो आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं CCNA, ऑफलाइन सीखना चाहते हैं या वीडियोस से लेना चाहते हैं, तो आपको वीडियोस परचेस करने होंगे। ऑनलाइन आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। CCNA, CCNP, लाइनक्स, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स, इसके अलावा एथिकल हैकिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सारी चीज़ों की क्लासेस होती है। बेसिक नेटवर्क, एडवांस नेटवर्क, नॉर्मल नेटवर्क, आप जो भी क्लास ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। तो इस तरह से एक बेसिक था। इसके अलावा मेरा जो क्वालिफिकेशन है, CCNA है, CCNP है, MCITP है, इसके अलावा MCA है, और लगभग 38 सालों का मुझे एक्सपीरियंस है फील्ड में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे नेटवर्क हो, किसी भी फील्ड में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आप कोर्सेज को ज्वाइन करने से पहले, कहीं भी ज्वाइन करने से पहले चीज़ों को समझें कि बिना CCNA करी हुई फैकल्टी वहाँ पढ़ा रही हैं, 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट लोग पढ़ा रहे हैं, ना कोई डिग्री है ना डिप्लोमा है, कोर्सेज पढ़ा रहे हैं। तो कहीं भी ज्वाइन करने से पहले इस तरह की चीज़ों को ध्यान रखें। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है और पढ़ाए जा रहे हैं, ऐसे लोगों से सीखिए जिनको काम आता है, जो मार्केट में एक्सपर्ट हैं। लैपटॉप जो सामने रिपेयर करें, डेस्कटॉप जो सामने रिपेयर करें, राउटिंग जो सामने करके दिखाएं, इस तरह के इंस्टीट्यूटों को आपको ज्वाइन करना चाहिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। तो ये वीडियो था, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ना करें, पर वहाँ पर ज़रूर भेजें जो एक्चुअल सीखना चाहते हैं। ऐसे लोगों को ज़रूर सोचना समझना चाहिए कहीं भी ज्वाइन करने से पहले कि हम ज्वाइन कहाँ कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट का जो बच्चों का फीडबैक है उसको देखना चाहिए, और ऐसे इंस्टीट्यूटों में जाने से बचिए जहाँ पर क्या है, फैकल्टी नहीं है, 2 घंटे आधे घंटे के लिए फैकल्टी आ रही है और लंबी लंबी बातें होती हैं। थैंक्स फॉर द वॉच।